दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के बाद रो पड़े सूर्य कुमार यादव। फिर रोहित रिंकू के लिए जो कहा, आप भी सुनकर के करोगे सलाम। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में पहला T20 का मुकाबला काफी बेहद ही शानदार जीता और दूसरे T20 के मुकाबले में काफी तगड़ी जीत पाई है। इसको मैं आपको बता दूं कि फिर रोहित रिंकू के लिए जो सूर्य कुमार यादव ने कहा उसको सुनने के बाद आपका भी दिल गदगद हो जाएगा और सुनकर आपके दिल में सूर्य कुमार यादव के लिए एक बार सलाम ठोकने की उम्मीद जाग जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आखिरकार T20 का दूसरा मुकाबला जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने रिंकू और रोहित शर्मा के लिए क्या कहा है, आपको पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने काफी ज्यादा बड़ी बेईमानी करके भारतीय टीम को हराया। हालांकि 10 मुकाबले जो टीम लगातार जीतते हुए आ रही थी, 11वां मुकाबले में उसी की जीत निश्चित थी और वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी का असली हकदार था वो भारतीय टीम थी। सूर्य कुमार यादव थे, रोहित शर्मा थे और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी करके चली गई। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो कहा उसके सुनने के बाद आपके भी आंख से आंसू छलक आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैं 5 सीरीज का फाइनल मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलूंगा और रोहित सर आप चिंता ना कीजिए, मैं 5 के 5 मैच जीत कर दिखाऊंगा, जिसमें से 2 मैच मैं जीत चुका हूं और आपकी बदौलत से जो आपने सिखाया, जैसे आपने बैटिंग सिखाई है उसी तरीके से आपकी कप्तानी के तरीके से मैं सीखा हूं और 5 के 5 मैच जीत कर मैं बदला भारत का जरूर लूंगा।